हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज पेशारा। तो प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको पता है, कक्षा 8 का पहला चैप्टर रेशनल नंबर शुरू हो चुका था। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें रेशनल नंबर के अंतर्गत आपको प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याएं, इन चारों के विषय में इनकी परिभाषा उदाहरण आपको बताई गई थी और उनके गुणधर्म, जिसमें से हम पहला पढ़ चुके थे और दूसरा गुणधर्म पढ़ना आप लोगों को है। आइए दूसरे गुणधर्म के बारे में आपको बताया जाता है। दूसरा गुणधर्म है क्रम विनिमेय नियम, जिसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। देखिए, एक चार्ट बनाया गया आपके सामने और यहाँ पर संख्याएं, उन संख्याओं को फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, जिससे आपकी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आपकी दूर हो जाएगी। पहला है प्राकृत संख्याएं, इसको प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं, नेचुरल नंबर। ये संख्याएं 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4 इस तरह से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएँ होती हैं वो प्राकृत संख्याएँ होती हैं। दूसरा है पूर्ण संख्याएँ, पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं जो होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तीसरा नंबर हमारा है पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं जुड़ जाती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं शून्य के साथ होती हैं वो पूर्णांक संख्याएँ कहलाती हैं। और चौथा हमारा है परिमेय संख्या, जो कि हमारे टॉपिक से बिलोंग करता है, जो आप पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याएं, जिन संख्याओं को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और शून्य, शून्य को भी हम परिमेय संख्याओं के अंतर्गत रखते हैं। परिमेय संख्याओं में सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और शून्य को भी शामिल कर लेते हैं, वो संख्याएँ परिमेय संख्याएँ कहलाती हैं। तो इनके गुणधर्म में हमने पहला संवृत नियम, जिसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, उसको देख लिया था। आइए कुल 4 संक्रियाओं को सीखते हैं हम, योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। इन 4 के अंतर्गत इन संख्याओं को हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर टॉपिक है क्रम विनिमेय, विनिमेय का मतलब ही होता है टू एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब अदला बदली। जैसे 2 संख्याएं हैं, 2 प्राकृतिक संख्याएं हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कोई भी 2 प्राकृतिक संख्याओं को लेकर के हम देखते हैं, 2 + 3 बराबर 3 + 2, ये 2 प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्या इनका योगफल एक प्राकृतिक संख्या ही होगी? 3 और 2 का योगफल हो जाएगा 5। और दाहिने तरफ देखिए, 3 + 2 = 5, अतः हम लिख सकते हैं हाँ, 5 भी अभी आपको बताया गया प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, ये संख्याएं 1 से लेकर के अनंत तक की, तो ये 5 हमारा इसके अंतर्गत आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से 1 से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो कह सकते हैं हम कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग एक प्राकृतिक संख्या होती है, अतः यह क्रम विनिमेय नियम का पालन करती है। आइए व्यवकलन में देखते हैं, व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, a माइनस बी बराबर बी माइनस ए। कोई भी 2 प्राकृतिक संख्याओं को लेकर के हम देखते हैं कि क्या उन दोनों का जो अंतर है, उनका क्रम बदलने के बाद भी दोनों का परिणाम वही आता है। आइए इसी को देखते हैं, 2 ऋण 3 बराबर 3 ऋण 2, 3 और 2 इन दोनों का अंतर आएगा -1। जो बड़ी संख्याएं होती हैं उनके पहले जो चिन्ह होते हैं वही हम अपने उत्तर में लगाते हैं, या कह सकते हैं कि जो संख्याएं बड़ी हैं
या बड़ी संख्याओं में यदि ऋण का चिन्ह है तो हमारा उत्तर जो प्राप्त होगा उसमें ऋण लगेगा। और तीन ऋण दो, इसका उत्तर आएगा एक, अर्थात ये माइनस एक और ये प्लस एक। देखिए आपको यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है इसमें कोई भी ऋण संख्या नहीं शामिल है, जबकि यहाँ पर हमारा उत्तर ऋणात्मक संख्या है। तो अतः हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या व्यवकलन प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत जो क्रम विनिमय नियम में व्यवकलन की जो संक्रिया है या इस नियम का पालन नहीं करती, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारा देखिए परिणाम माइनस वन आया है, जबकि आपको परिभाषा बताई गई है कि ये संख्याएं धनात्मक होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं, इसलिए ये नहीं है। आइए गुणा में देखते हैं। a गुणे b बराबर b गुणे a, 2 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 2। क्रम का विनिमय है, अदला बदली है, 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 6 और 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6। देखिए दोनों पक्षों में 6 आ गया और 6 देखिए हमारी परिभाषा जो लिखवाई गई है इसके अंदर है, एक से लेकर अनंत के बीच की संख्याओं में शामिल है, अतः यह इस नियम का पालन करती है, अतः यह हम लिख देंगे यहाँ पर हाँ। आइए भाग में देखते हैं। a इज डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a, a को b से डिवाइड कर रहे हैं फिर b को a से क्रम बदल करके, 2 भागे 3 बराबर 3 भागे 2। इस भाग को हम लिख सकते हैं बटे के रूप में, 2 बटे 3 बराबर 3 बटे 2। देखिए जो भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, इसमें आपको बताया गया कि जो भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी में भिन्नात्मक संख्याओं को स्थान नहीं दिया गया है, अतः क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत जो हम भाग की संक्रियाएँ करते हैं यह इस नियम का पालन नहीं करती, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नहीं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं आपकी क्लियर हो गई। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को हम कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड हैज नो एंड्स, जिनका अंत नहीं होता, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अनंत तक चली जाती हैं, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक जाती हैं, वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब आपके सामने एक प्रश्न है, क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? बिल्कुल होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य नहीं है। चलिए देखते हैं इसको भी। इन चार संक्रियाओं के अंतर्गत योग, व्यवकलन, गुणा और भाग, a धन b बराबर b धन a, पूर्ण संख्याओं में हम जीरो ले लें, 0 धन 5 बराबर 5 धन 0, इधर भी 5 हो जाएगा बच्चों, 0 में 5 से जोड़ेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5। देखिए दोनों पक्षों में हमारा समान उत्तर आ रहा है, 5 पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत है, अतः हम कह सकते हैं कि यह नियम इसका योग संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, यहाँ पर हाँ हो जाएगा। आइए व्यवकलन में देखते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, ए को हमने रखा है 0, 0 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 0, 0 में से 5 को हम घटाएंगे तो माइनस 5 ही आएगा, 5 में से माइनस 0 5। ये देखिए दोनों के उत्तर में असमानता है, समान नहीं है। और देखिए बच्चों यहाँ पर माइनस 5 है, कोई भी परिभाषा में आपको नहीं लिखवाया गया है, इसमें ऋणात्मक संख्याएं कहीं दिखाई दे रही हैं? नहीं दिखाई दे रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि यह पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात
दो पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन करने पर, आपस में घटाने पर पूर्ण संख्याएं नहीं प्राप्त होती, यानी कि क्रम विनिमेय नियम का पालन नहीं करती। तो यहाँ पर लिख देंगे नहीं। आइए इनका गुणन करके देखते हैं। शून्य गुणे पाँच बराबर पाँच गुणे शून्य, जीरो आपका आएगा आंसर दोनों तरफ से। जीरो देखिए शामिल है, पूर्ण संख्याओं की परिभाषा में जीरो है, शून्य है, अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हाँ। आइए भाग में देखते हैं। एक भागे दो बराबर दो भागे एक, एक में हम दो से भाग देते हैं, यूँ समझ लीजिए आप, एक रुपये में दो लोगों को डिवाइड करना है, कितना आएगा बच्चों 0.5। दो में एक से डिवाइड करना है तो एक। देखिए ये संख्या हमारी आ गई, इसको भिन्न में बदलेंगे तो एक बटा दो हो जाएगा, और दशमलव में 0.5। अब आइए इधर देखते हैं, परिभाषा और उदाहरण आपको इसलिए लिखवा दिया गया ताकि आपकी कोई भी कंफ्यूजन आपके सामने जो आ रही है वो ना आए। यहाँ पर 0.5 तैर आ जाइए, 0.5 वाली संख्या इसमें है नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि दो पूर्णांक संख्याओं का क्रम विनिमेय नियम के अंतर्गत भाग संक्रियाओं में यदि हल करते हैं तो यह क्रम विनिमेय नियम का पालन नहीं करती, नहीं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, आइए पूर्णांक संख्याएं देख लेते हैं। पूर्णांक संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर्स। इसमें पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने के बाद हमारी पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि जितनी भी ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्याएं हैं उसमें जीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाता है तो वे हमारे होल नंबर्स पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। -2 प्लस 5, 5 प्लस -2, इनका क्रम बदल दिए बच्चों। ये देखिए ऋणात्मक संख्या है पूर्णांक, एक ऋणात्मक संख्या और एक धनात्मक लेकर के आपको समझा रहे हैं। 5 और -5 और -2 प्लस 5 को हम हल करेंगे तो उत्तर आएगा 3। इधर आइए बच्चों, 5 ये प्लस माइनस हो जाता है, माइनस 5 में से 2 जाएगा तो 3। ये 3 जो दोनों पक्षों में आया है, ये देखिए 3 है कि नहीं, पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत शामिल है, अतः यह इस नियम का पालन कर रही है। आइए व्यवकलन को देखते हैं। -2 -5, दो संख्याएं हैं, एक -2 दूसरी 5, फिर 5 -2, पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाई गई है, फिर दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाई गई है, ये हो जाएगा बच्चों -2 -5। यदि दो संख्याएं दोनों ऋणात्मक होती हैं उनको जोड़ देते हैं, जो चिन्ह होता है वह ऋण का ही आएगा, लेकिन इनको हम जोड़ देते हैं। मान लीजिए आपने किसी से 2 रुपये कर्ज ले लिया, फिर आपने 5 रुपये कर्ज लिया, अब आपके कुल 7 रुपये कर्जदार हो गए आप। इधर आइए, 5 देखिए बच्चों, यदि ब्रैकेट के अंदर की जो संख्याएं हैं माइनस में हैं, या इसके अंदर की संख्याएं अगर निगेटिव हैं, और या कह सकते हैं दोनों, एक अंदर भी माइनस हो बाहर भी, दोनों को जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये धन हो जाएंगी। अब ये हो जाएगा 2, -7 और ये 7, दोनों जो है कि समान नहीं आ रहा है, अतः हम लिख देंगे कि यह इस नियम का पालन नहीं करती, एक -7 है दूसरा 7। आइए गुणन में देखते हैं।
माइनस दो गुणे माइनस पाँच बराबर माइनस पाँच गुणे माइनस दो। देखिए इनका गुणा करेंगे, जब दो नेगेटिव संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो वो माइनस खत्म हो जाता है, धनात्मक संख्याएं हो जाती हैं। 10 इधर भी आ जाएगा बच्चों, 10 दोनों पक्ष समान हो गए, और ये संख्या जो है ये पूर्णांक संख्या भी है, अतः हम लिख सकते हैं कि हाँ यह इस नियम का पालन करते। आइए देख लेते हैं, इसमें माइनस एक को हम भाग दे रहे हैं दो से, बराबर दो भागे माइनस एक। माइनस एक को दो से भाग दे रहे हैं, इसको हम बच्चों लिख सकते हैं माइनस एक बटे दो, बराबर दो को माइनस एक से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस दो। ये देखिए दोनों अंतर है, दोनों में डिफरेंस है, ये आपकी परिमेय संख्या में आ जा रहा है जबकि परिमेय संख्या आपके परिभाषा में नहीं है, यह इस नियम का पालन नहीं कर रही है। ये एक बटा दो है और ये माइनस दो है, वैसे भी दोनों असमान हैं तो यहाँ पर लिख देंगे नहीं, क्रम विनिमेय नियम के अंतर्गत भाग संक्रिया में पूर्णांक संख्याओं को जब हम रखते हैं आपस में उनका विनिमय करते हैं, क्रम को उनके एक्सचेंज करते हैं बदलते हैं तो हमारा परिणाम समान नहीं आता, यानी यह इस नियम का पालन नहीं करते। अब आइए बच्चों देखते हैं अंतिम परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। अभी आपको परिभाषा बताया गया, तीन संख्याओं को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वे परिमेय संख्याएं होती हैं, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो या शून्य हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, जो हमारा हर है यहाँ पर देख लीजिए, आपको बताया गया पी बटे क्यू और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, जो हमारा हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, अर्थात तीन बटे जीरो है तो उसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। आइए देखते हैं दो परिमेय संख्याओं का योगफल, एक परिमेय संख्या होता है एक बटे दो धन चार बटे दो, ये हो जाएगा बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं चार बटे दो धन एक बटे दो, इनके क्रम को बदल दिए, ये हो जाएगा। जब हर समान होता है तो केवल अंश को जोड़ा जाता है, अब चार और एक हो गया पाँच, पाँच बटे दो, हर को आप वैसे लिख लेंगे, ये भी हो जाएगा बच्चों चार और एक पाँच, अंश को केवल जोड़ेंगे। देखिए जो रिजल्ट आया है दोनों सेम, पाँच बटे दो पाँच बटे दो, और आपको इधर बताया गया कि जितनी भी भिन्नात्मक संख्याएँ होती हैं वो परिमेय संख्याएँ श्योर होंगी, अतः हम लिख देंगे हाँ यह इस नियम को फॉलो करती है। आइए व्यवकलन के अंतर्गत भी देख लेते हैं, एक बटे दो माइनस चार बटे दो बराबर चार बटे दो माइनस एक बटे दो, इसका उत्तर बच्चों क्या होगा, हर तो समान है, चार में से एक घटाएंगे तो माइनस तीन बटे दो, इधर इधर भी हर समान है, अब चार में से एक, ये देखिए संख्या बड़ी है, चार बड़ी है और ये छोटी वाली संख्या माइनस में है, तो बड़ी संख्या में माइनस रहेगा तभी हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर बड़ी संख्या चार है, एक और चार में बड़ी संख्या चार है, चार में लगा है माइनस, इसलिए हमने लगाया यहाँ पर माइनस, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में माइनस नहीं है तो नहीं लगेगा। अब देखिए ये चार में से घटाएँगे तो तीन आएगा, ये माइनस तीन बटे दो, ये प्लस तीन बटे दो है, दोनों असमान है एक दूसरे की, ये देखिए जीरो से भी छोटी है। जब आपको इसके बाद वाले टॉपिक पढ़ाएंगे, नंबर लाइन पर शो करके दिखाएंगे, तब तो उसमें आपको विस्तार में बताएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों नहीं, दोनों समान नहीं हैं, यानी क्रम बदलने पर या क्रम विनिमेय नियम का पालन नहीं करती। गुणा में देख लीजिए, एक बटा दो गुणे चार बटा दो बराबर चार बटा दो गुणे एक बटा दो, गुणा तो ये कॉमन गुणा है बच्चों, आपको आता ही होगा। इसमें क्या करते हैं, गुणा में अंश का गुणा, हर में हर का गुणा,
एक में चार का गुणा करेंगे तो चार आएगा बच्चों, दो में दो का गुणा करेंगे तो चार, चार में एक से गुणा करेंगे तो चार, दो में दो से गुणा करेंगे तो चार, दोनों पक्ष समान हो गए। इसको काट भी सकते हैं आप, चार में चार से भाग देंगे एक, एक बराबर एक। अभी आपको बताया गया कि एक चीज़ और ध्यान दीजिए बच्चों, पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। कोई भी पूर्णांक संख्या को हम एक बटा एक लिख सकते हैं। देखिए ये एक है, इसको हम एक बटा एक लिखेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक को हम लिख सकते हैं एक बटा एक, जब ये अंश और हर में हो गया तो परिमेय संख्या हो गया, अतः दोनों का उत्तर भी, दोनों पक्ष समान है। यानी कि गुणा में जब हम गुणा गुणन में रखेंगे क्रम विनिमेय नियम को तो यह इसका पालन करती है और लिख देंगे हाँ। आइए बच्चों अंतिम देखते हैं, अंतिम स्टेप को, एक बटा दो भागे चार बटा दो बराबर चार बटा दो भागे एक बटा दो। क्रम केवल बदलना है, आपको चार संक्रियाओं में देखना है, योग, व्यवकलन, गुणन और भाग। देखिए बच्चों भाग में क्या करते हैं, ये भाग के बाद वाला इधर का मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, एक बटा दो भागे चार बटा दो, जो भाग होता है बच्चों, भाग के बाद वाली जो भिन्नात्मक संख्या होती है, जब इसको हम हल करते हैं तो यह इसका क्रम उलट जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, प्रतिलोम, इसका अंश का हर हो जाएगा और हर का अंश हो जाएगा। ये देखिए जो हर के स्थान पर था वो अंश के स्थान पर चला गया, जो अंश के स्थान पर था वो अब ये कट जाएगा, बचेगा कितना, एक बटे चार। आइए बराबर के दाएं पक्ष को देखते हैं, चार बटे दो बराबर एक बटे दो, इसी तरह से इस प्रोसेस को भी करेंगे, चार बटे दो गुणे दो बटे एक, ये कट जाएगा बच्चों, कितना आ गया चार। क्या बता सकते हैं एक बटे चार बड़ा है कि चार? देखिए ये एक बटे चार छोटा है, ये चार बड़ा है। एक संख्या को चार भाग में किया गया है, इसको भी हम परिमेय संख्या में अगर बदल दें तो कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर चार ही आएगा। ये एक संख्या है बच्चों, इसको चार भाग में बनाया गया, और ये चार संख्या है, चारों मिलाकर एक ही भाग बना है, ये श्योर है बड़ा होगा। तो देखिए उत्तर, जब हम जिस टॉपिक पर थे कि एक बटे चार ये चार दोनों समान नहीं है, यानी कि इस नियम का पालन नहीं करती है, तो यहाँ लिख देंगे बच्चों नहीं। तो बच्चों आपको आज का वीडियो कैसा लगा, क्रम विनिमेय नियम को आपने देख लिया, इसके बाद का जो नियम है सहचारिता का नियम, जिसको हम साहचर्य नियम भी कहते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, अगला वीडियो देखने के लिए मत भूलिएगा।